हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मलिक इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग वाशिंग मशीन में 3 तार टाइमर को कैसे लगाएंगे हम। देखिए, हम एलजी का टाइमर सैमसंग की वाशिंग मशीन में लगाएंगे। इसके अंदर 7 तार का टाइमर होता है दोस्तों। 7 तार टाइमर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम 3 तार टाइमर इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, इसके सारे कनेक्शन को हटा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे कनेक्शन इसके निकाल लेंगे, सारे कनेक्शनों को खोल लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए, इसकी सबसे बेहतर पहचान होती है स्पीडें होती हैं इसकी। ये देखिए, कंडेंसर से जो 2 वायर आए हैं हमारे, और ये 2 वायर कंडेंसर के वायर से ही हमारे ऊपर जाते हैं टाइमर पर। दोस्तों हम टाइमर पे तार खोलेंगे। ये देखिए, एक हमारा ये बैगनी कलर का वायर है, इसको हम खोल लेंगे यहाँ से। एक हमारा ये येलो कलर का, ये देखिए येलो हमारा एक कंडेंसर से, एक मोटर से आया है। ये स्पीडें होती हैं हमारी दोनों तरफ को, जिससे मोटर घूमती है। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी के कनेक्शन हम खोल लेंगे इसके। देखिए ये कनेक्शन, देखिए बर्जर के लिए दिया हुआ है, मगर बर्जर हमारा ख़राब है तो हमें बर्जर को चेंज नहीं करना है, इसलिए हम सारी वायर निकाल लेंगे इसकी। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हमने 4 तार टाइमर ले लिया है, जिसमें एक तार हमारा बर्जर का होता है, जिसके साथ पिन बनी हुई होती है। ये देखिए, अब हम इसको टाइमर को फिट कर दिया है। ये वाली वायर हमारी बर्जर की होती है, इसको हम अलग कर देंगे, बंद कर देंगे। दोस्तों अब ये 3 वायर बचे हमारे, इसमें ब्लैक मेन होती है और रेड और येलो स्पिन स्पीड होती हैं। दोस्तों इसको हम यहाँ पे अच्छे से फिट कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर लॉक होते हैं, दोस्तों लॉकों में हम अच्छे से फंसा लेंगे इसको। ये हमारी स्पिन वायर है, ये चूहों ने काट दी है स्पिन मोटर की, इसको हम अच्छे से टेपिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, टेपिंग कर दी हमने। दोस्तों मेरी वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आती हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो कल लाइक सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए हमारे 3 तार हमारे निकल के नीचे आ गए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि येलो ये हमारी स्पीड है। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है इसको टाइमर को लगाने का। ये दूसरा हमारा बैगनी वाला लगा हुआ था, जिस पे हमने ये दूसरी, अब बचा हमारा न्यूट्रल फेस, हमने डायरेक्ट मोटर पे दे रखा है इसमें। ये देखिए, एक ब्लैक वाला ये न्यूट्रल है, इसको हम न्यूट्रल के साथ बांध देंगे, जो ऊपर से टाइमर से हमने ब्लैक लाए हैं, ये ब्लैक और ये ब्लैक इसके साथ देंगे। अब स्पिनर का, देखिए 3 वायर हो गए हैं, एक स्पिनर का है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। दोस्तों अब हम मोटर को चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा टाइमर चल गया। ये देखिए, मोटर हमारी ओके हो गई। ये देखिए, दोनों साइड चल रही है हमारी मोटर, जो हमारी स्पिनर भी ओके हो गया, स्पिनर भी ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।